जो है उन्होंने 114 के स्ट्राइक रेट से जो है उन्होंने फिनिश किया, मैच फिनिश किया है। तो अब फिर उसके बाद ना वो क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे, मेरे वीडियोज के नीचे बोलेंगे कि देखो स्ट्राइक रेट तो बहुत ज्यादा घटिया है। लेकिन जो लोग मुकाबला को देखा है, जो लोग मैच देख रहे थे, वो जानते हैं कि ये जो 56 रन की पारी है बाबर आजम की, जो मैच विनिंग पारी है, ये किस काम आया और कैसे आया है, वो मैं आपको बता देता हूं अगर आपने मैच नहीं देखा होगा। भैया हम तो हैं मैच देखने वाले आदमी, और बाबर आजम का मैच चल रहा हो अविनाश आर्यन कभी छोड़ नहीं सकता, ठीक है। अब मैं आपको बताता हुआ क्या, एक तो बाबर आजम की नहीं इतनी ज्यादा फूटी किस्मत है, जो टीम में ये बंदा रहता है उस टीम के जितने भी बल्लेबाज हैं वो ऐसा लगता है उनको बल्लेबाजी करनी ही नहीं आती, आउट हो जाते हैं। ऐसा है, मतलब कि हमेशा ये बंदा लोन वॉरियर ही बन के रह जाता है हमेशा। आज भी अगर आजमतुल्ला उमर जाही साथ ना दिया होता, कसम से बता रहे हैं बाबर आजम हाईएस्ट रन स्कोरर होता, टीम हार गई हुई रहती, क्योंकि कोई भी साथ ही नहीं देता है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि आज कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है ना नॉन स्ट्राइकर एंड पे नहीं था बाबर के साथ, वरना तो प्रोग्राम तो वार गया था। अच्छी बात यह है कि एक अफगानी प्लेयर था और अफगानी प्लेयर ने बाबर आजम पे बड़ा भरोसा जताया और बाबर आजम को भी उस पर बड़ा भरोसा था। क्यों? क्योंकि ये जो अफगानी प्लेयर था ना वो पेशावर जलमी में साथ खेल चुका था उनकी कप्तानी में, नाम है अजमतुल्ला उमर जाही। अब हमको बताते हैं कि हुआ क्या, भाई साहब 39 रन के भीतर 6 विकेट गिर गए, 121 रन बनाना था। अब जो लोग क्रिकेट को समझते हैं उनको पता है कि जो बांग्लादेश की पिच होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल पिच होती है, वहां पे रन बनाना, अब बोलेंगे 200 रन बने, ऐसा नहीं होता मेरी जान। ढाका में, ढाका की जो पिच है वो बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक है, स्पिन ट्रैक है वो। तो अब क्या है कि आज के मैच में 120 रन सामने वाली टीम बना पाई, 8 विकेट उन्होंने गवा दिए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या मैच का हाल था, ठीक है। अब सामने वाली टीम जब पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 रन बनाए तो मैच का अंदाजा पता चलता है, और ऊपर से जब दूसरी टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई यानी कि रंगपुर राइडर्स के लिए जो बाबर आजम खेल रहे हैं, तो वहां भी इनके 39 रन पे 6 विकेट गिर गए थे। अब हमको ये लग रहा था कि अब मैच ना यहां से पलट जाए भाई, क्योंकि ऑलरेडी मैच तो खत्म ही था एक तरीके से। अब यह था कि बाबर का साथ देना था आजमतुल्ला उमर जाही को। बाबर आजम ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाते ही अपनी बैटिंग का लोहा मनवा लिया। बाबर आजम ने अपने पहले ही मैच में 50 स्कोर की और अपनी टीम को जीत दिलाई। 39 के स्कोर पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद बाबर आजम और अजमतुल्ला उमर जाही के दरमियान शानदार पार्टनरशिप हुई। बाबर आजम ने 56 रन बनाए, अजमतुल्ला उमर जाही ने 47 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच बाबर आजम करार पाए। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।